सिर्फ दो इनपुट आउटपुट होता है ना, इनपुट आउटपुट और आउटपुट। दोस्तों आज मैंने फिर से नया मशीन लाया है, StarQ W3। तो मैं आपको आज ये अनबॉक्सिंग करके और स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको मैं खोल के कनेक्शन करके दिखाता हूँ किस तरह का जो है प्रॉपर कनेक्ट करते, मतलब कनेक्ट डिसकनेक्ट किस तरह का करते ना मशीन, जो भी है पाइप का कनेक्शन कैसा करने का कैसा, तो मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। क्या थोड़े लोगों का जो है ना कंप्लेन रहता है कि भाई कनेक्शन कैसा करने का, वो जो जो एक जो कनेक्टर वगैरह आता है ना वो अंदर पुश करने का और कैसा क्या करने का थोड़े लोगों को पता नहीं चलता है। और थोड़े लोगों ने तो वीडियो कॉलिंग करके स्टेप बाय स्टेप बताया उनको कि कैसा क्या करना पड़ता है, तो आपको ऐसा ना करना पड़े वीडियो कॉलिंग भी, तो आपको इजीली काम हो जाए। इसीलिए मैं आपको जो है ना ये वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसा कनेक्शन करना क्या है। आपको मैं फुल बॉक्स खोल के अभी दिखाता हूँ सही से। और ये जो पीछे आपको काला दिख रहा है जो बारिश से जो फंगस हुआ देखो ये सब दीवार का, तो मैं आपको इस वीडियो में जो है ना मशीन में से जो है ना आपको फुल क्लीन करके बताऊंगा। इस मशीन से ना पानी का प्रेशर से दीवार जो आपको क्लीन करके बताऊंगा। नॉर्मली ये जो मशीन आप दीवार भी क्लीन कर सकते हो, फ्लोर भी क्लीन कर सकते हो और आप कार भी धो सकते हो। तो फिलहाल तो मैं ये वाला आपका दीवार है वो मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा। डबल पैकिंग आता लगता है इसका, देखो पैकिंग तो बहुत अच्छा दिया है। यस या वजन है उसको बहुत ज़्यादा का, कुछ वाइट वाला जो है ना कनेक्टर है वो। और ये इसका प्रेशर पाइप है, अभी पहले का डिफरेंट टाइप आते थे और ये वाला डिफरेंट टाइप है। हाँ नाइलॉन टाइप है ये, अच्छा ये फटने का चांसेस कम है वो, अच्छा मजबूत तो दिख रहा है। ओके ठीक है, और क्या इसके साथ कुछ मैनुअल वगैरह दिया हुआ है ना, और साथ में क्या है ये येलो वाला पाइप इनपुट पाइप है हाँ। और ये देखो ये इसका कनेक्टर सिस्टम है, ये देखो ये सिस्टम है, ये जो इसको पुश करके अंदर डालना पड़ता है निकालना पड़ता है ठीक है। और ये साइड जो है वो तो नल पे लग जाएगा, नॉर्मली नल नहीं तो आप डायरेक्टली बाल्टी में भी डाल सकते हो, ये ऑटोमेटिक बाल्टी से भी जो है पानी सोखता है वो, ऐसा जरूरी नहीं है आपको टैब में लगाना नल पे लगाना ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्टली बाल्टी से भी ये काम चल जाता है। और ये इसका गन अच्छा ओके, तो अभी मेन है इसका मशीन। अरे शिट यस, बॉक्स हम साइड पे फेंकते हैं, हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे बाबा बाबा ये है इसका कवर, यस ये है मशीन लिखा है, देखो मॉडल W3 लिखा है, मैक्सिमम प्रेशर 120 बार और ये 1800 वाट्स का है और रेंज 10 मीटर मतलब 10 मीटर तक जो है ना फोर्स लगा सकता है वो, इतना प्रेशर है इसमें। और डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2800 RPM 100% कॉपर वाइंडिंग का है। ये देखो मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ, एक टाइम आप गौर से देख लो, ये देखो ये जो है ये डायरेक्टली पावर पॉइंट लग जाएगा पावर, इसमें हम इसको अभी कनेक्शन करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी कनेक्शन करके दिखाता हूँ क्या सिस्टम है इसमें। देखो ये कवर होता है, आपको ये कवर निकालना पड़ेगा इसका, ये दोनों साइड का जो है ना कवर है, देखो ये भी साइड में कवर है, ये आप निकाल दो। दोस्तों अगर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यस ये क्या करना है इसको, एक ये जो ऊपर वाला देखो दो पॉइंट है, एक तो ऊपर वाला पॉइंट और ये दूसरा वाला नीचे वाला पॉइंट, तो आपको क्या करना है ये ऊपर वाला पॉइंट में जो है आपको ये आउटपुट पाइप लगाना है। ये देखो पहले ऐसा लगाओ पुश करो और बाद में इसको थ्रेड लगाओ। यस सेकेंड थिंग इसका जो दूसरा साइड है ये जो है आपको ये साइड में लगेगा इसका गन, ये गन ले लो और इसको बाद में सेम ऐसे ही इसको लगा दो ऐसे ही। यस ये अभी अब रेडी, अब ये देखो हमारा गन जो है वो प्रॉपर जो है रेडी हो गया है। हमको अभी क्या करना है इसको दूसरा है, ये देखो ये जो पाइप है आपको क्या करना है इसको इधर लगाना है ये साइड में, ये देखो ये पहला क्या करना है आपको इसको थ्रेड इसको ऐसा लगाने का है, ये देखो ये लग गया इधर थ्रेड में सिस्टम, ये देखो ये लग गया इधर, बाद में आपका ये जो सिस्टम है देखो आप यहाँ से कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ये देखो ये है ना ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे इसके कौन सा भी पाइप ले लो, ये तो छोटा पाइप है मेरे पास 30 मीटर का पाइप है, मैं आपको वो भी कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये लिया ऐसा और इसके अंदर ये सेम ऐसा ही कौन सा भी पाइप ले लो एक ये ऐसा डाल दिया, बाद में उसको प्रॉपर टाइट कर दो ये साइड से, यस ये हो गया टाइट। हम इसको अंदर इसको जस्ट इसको क्या करने का जैसे ऐसा पुश करने का, देखो ये देखो ये ऐसा ऐसा बाद में इसको
आवाज़ आएगा कट करके। नया है, लग तो जाम है कुछ। यस, ये लग गया देखो। हाँ, ये थोड़ा सा जाम रहता है नया नया, तो है ना। ये देखो, ये जो है लॉक सिस्टम लॉक। अभी इसको खींचोगे ना ऐसा पाइप तो नहीं निकलेगा। एक्चुअली ये जो पॉइंट है इसको हमको खींचना पड़ेगा, पुश करना। ये देखो, हाँ, इसको अगर हम पुश करेंगे ऐसा दो उंगली से, बाद में इसको हम ऐसा खींचने का, देखो बाहर आ गया। आप डायरेक्टली पाइप अगर खींचोगे तो टूट जाएगा, प्लास्टिक का चीज़ है तो ऐसा नहीं करना हमको, है ना। पुश कर दिया ऐसा अंदर प्रॉपर, बाद में ये लॉक सिस्टम है। इसको जब हम इस एक लॉक सिस्टम जब हम खींचेंगे तब वो बाहर आएगा ऑटोमेटिक, है ना। ये देखो लॉक बाहर आ गया, बाद में हम इसको थ्रेड को खोल सकते। तो अब मैं आपका अपना जो 30 मीटर जो वायर है वो मैं पाइप जो है 30 मीटर पाइप वो मैं आपको लगा के सही से जो है ना प्रेशर दिखाता हूँ। इस मशीन का प्रेशर कैसा है आपको मैं ये दीवार क्लीन करके बताता हूँ इस मशीन से, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, ये मेरे पास लंबा बड़ा पाइप है, 30 मीटर का पाइप। मैं ये वाला पाइप इसमें कनेक्शन करूँगा क्योंकि मेरा जो टंकी है वो काफ़ी दूर है, तो इसलिए जो है ये मैं इसमें कनेक्शन करके टंकी में डालूंगा ये पाइप। तो बाद में देखना अच्छा फिर भी प्रेशर आएगा। तो इसको इस पाइप को कनेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला ये जो कंपनी से तो हमको ये दिया ना, तो हमको ये खोलना है पहले। ये हमने इसको साइड रखा है ना, ये जो कनेक्टर है ये सेम ऐसे आप भी जो अपने टैप में लगा सकते हैं। मैं इसको साइड रखता हूँ, मेरे को फिलहाल अभी नहीं चाहिए, इसको मैं ये साइड रखता हूँ। तो पानी मारेंगे ना, यस। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसमें से इसके अंदर पहले ये वाला डाल दो, उसके बाद इसको जो है ऐसा उसको दबा के अंदर डाल दो इसको। यस, ये ऐसा इसके अंदर डाल दिया, इसको टाइट कर दिया। ओके, तो ये अब इसके अंदर लगा दिया। तो दोस्तों अब तो ये रेडी हो गया मशीन। अब मैं आपको जो है ना ये ऐसा प्रेशर मार के सब क्लीन करके बताता हूँ आपको। ये देखो आपको तो डिफरेंट तो दिख ही रहा है। ये देखो, ये जो है ये अभी पूरा मैंने फंगस निकल दिया है, उधर फंगस निकलना बाकी। ये देखो डिफरेंट, देखो आपको दिख रहा है इधर। ये देखो, ये एक्चुअली देखो पुराना जो है पेंट आ गया बाहर। एक्चुअली ऊपर का पेंट है नरम खराब हो गया था, तो पुराना पेंट भी बाहर आ गया, जो काला काला दिख रहा है पुराना पेंट बाहर आ गया। एक्चुअली मैं इसको फुल प्रेशर मार भी नहीं सकता, नहीं तो सीमेंट भी उखड़ जाएंगे। ये देखो इसको आप ऐसा स्प्रेड करें, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको दिखा था। हाँ देखो, हाँ ऐसा होगा स्प्रेड। हाँ ये देखो ऐसा, इसको आप जैसे घुमाओगे ऐसा सीधा होगा, ये देखो ऐसा। तो उसको आप घुमाने से उसको डिज़ाइन चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा। तो आपको जब दीवार में मारना है तो ऐसा चपटा करके मारना है, कभी कार भी मारोगे तो आपको ऐसा चपटा करके मारना चाहिए। अगर सीधा मारोगे तो पेंट भी डैमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है वो, ठीक है। तो मैं आपको जो बाकी जो बचा हुआ है ना तो वो भी मैं आपको जो है ना वो क्लीन करके बताऊँगा। देखो इधर डिफरेंट आपको दिख ही रहा होगा। मतलब एक्चुअली ये इतना फास्ट काम करता है, मतलब मुझे लगता है ये 30 सेकंड के अंदर जो है ना आप छठ थर्ड करके इतना कर सकते हैं, एकदम 30 सेकंड के अंदर ही। एक्चुअली मेरा क्या है नॉर्मली, आप मुझे तो वीडियो बनाना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली 30 सेकंड में आप कर सकते हो फास्ट करके, इतना हो जाएगा। देखो इतना बचा है ना, मैं आपको ये भी करके दिखा रहा हूँ एकदम फास्ट एकदम। साइड में हटाता हूँ, ये देखो ये तो इतना तो 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये इतना दिख रहा है, ये 10 सेकंड के अंदर ही क्लीन हो जाएगा। ये देखो ये कितना फास्ट क्लीन हो गया। देखो ये जो काला काला है एक्चुअली ये फंगस नहीं है, वो अंदर का पेंट निकल गया, तो दीवार का सीमेंट दिख रहा है वो। ज़्यादा प्रेशर मार भी नहीं सकते, नहीं सीमेंट आ जाता है। देखो ये सीमेंट उखड़ गया ना इधर का, तो ज़्यादा प्रेशर से नहीं मिला, एक्चुअली दीवार भी पुराना है ना तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नॉर्मली अभी इसके ऊपर आप जब अच्छे से पेंट मारोगे ना तो मस्त अच्छे से बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाएगा, अच्छा दिखेगा वो। नॉर्मली पहले क्या था, लोग ब्रश से घिसते रहते थे, वो सब जरूरत ही नहीं है, जस्ट पानी लो और प्रेशर मारो हो जाएगा। तो आप इससे दीवार क्लीन कर सकते हो और फ्लोर क्लीन कर सकते हो और जो है ना कार वॉशिंग भी आप कर सकते हो। तो आपने मेरा वीडियो देखा इसीलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मशीन ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तब तो आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। ये मशीन का नाम है W3, ठीक है, स्टार क्यू W3। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। और प्लस और ये बात है कि अगर आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी अगर आपको कुछ मन में डाउट है, कुछ भी बात करना है, आप मेरे से सवाल करना है, तो मेरे फेसबुक में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के नंबर लेकर के आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जो भी परेशानी, मैं आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ।